हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग। जो भी मैं अपने बेबी के स्किन पे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करें। आई एम हेयर विथ माई बास्केट फुल ऑफ बेबी प्रोडक्ट्स और मैं आपको बारी बारी दिखाऊँगी कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ आज की स्किन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑयल। तो बेबी मसाज, एज यू ऑल नो, बेबी मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ एलमंड ऑयल। ये रिकमेंडेड बाय पीडियाट्रिशियन था, क्योंकि मैंने आहत के ऊपर ऑलिव ऑयल यूज़ किया था, तो उसको सूट नहीं किया था। फिर डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया, ये बहुत अच्छा है, इससे मैं फुल बॉडी मसाज करती हूँ ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव डेज। जब मैं इसको हेड मसाज करती हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल भी मिक्स कर लेती हूँ बालों के लिए। और उसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ मोस्टेला का बेबी ऑयल। ये भी बहुत अच्छा है, इसमें एक बहुत अच्छी जैस्मिन की स्मेल आती है नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ, कुछ भी उन्होंने आर्टिफिशियल नहीं मोस्टेला में डाला हुआ। इसके अलावा फॉर बेथिंग आई यूज़ शैम्पू, मैं यूज़ करती हूँ जॉनसन्स बेबी का, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। और स्पेशली जब मैं इसको यूज़ करती हूँ उसके बाद इतनी अच्छी बालों से खुशबू आती है। एंड दे क्लेम्स that Johnson baby is no paraben free, dyes free and alcohol free, which is shampoo के बाद मैं body wash use करती हूँ gentle cleansing gel Mostella का, and they also claims for no alcohol, no paraben, no extra harmful ingredient, ये सब natural ingredient है। अच्छा, honestly speaking for me Mostella is more like a repairing therapy, क्योंकि जब भी मैं feel करती हूँ कि आह की body पर rash हो रहा है या specially कुछ छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। अब वैसे भी मौसम चेंज होगा, जब हम लेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो हल्के हल्के दाने हो जाते हैं, क्योंकि ही वॉज बॉर्न इन जनवरी, तो मैं तब भी इसको लेयरिंग करती थी तो छोटे छोटे रेडेड दाने हो जाते हैं। तो उसमें इसने बहुत मेरी हेल्प की थी कि जब भी मैं उसको इससे नहलाती थी तो उसके दाने चले जाते थे। तो आई थिंक फॉर मी मोस्टेला इज़ मोर लाइक अ रिपेयरिंग थेरेपी। बॉडी वॉश हो गया, हेड मसाज हो गया, इसके बाद बॉडी क्रीम के लिए भी मैं यूज़ करती हूँ मोस्टेला का। ये है हाइड्रा बेबी बॉडी लोशन, और इसके अलावा अच्छी स्मेल के लिए मैं यूज़ करती हूँ जॉनसन्स का कॉटन टच। मुझे ऑनेस्टली आई लव जॉनसन्स, मुझे जॉनसन्स बहुत पसंद है, और अल्लाह का शुक्र है आहत को जॉनसन्स सूट भी किया, तो मैं जॉनसन्स भी इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ पैम्पर्स के वाइप्स। मैंने काफ़ी वाइप्स यूज़ की हैं, बट मुझे पैम्पर्स के सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। इसके अलावा फेस वॉश, क्योंकि फेस बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, और यू नो फॉर फेस वॉश आई नीड टू बी एक्स्ट्रा 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 केयरफुल। तो मैंने सेम मोस्टेला का क्लिनजिंग क्रीम फेस वॉश यूज़ किया है। ये फेस वॉश थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलने के लिए, कि हर जगह ही अवेलेबल नहीं होता, स्पेशली क्योंकि मैं सारे प्रोडक्ट्स मोस्टेला के बेबी शॉप से लेती हूँ, बट ये बेबी शॉप पे भी नहीं था, अमेजोन पे भी नहीं था, ये मुझे लाइफ फार्मेसी से मिला है, और ये हमेशा जो है उनके पास आउट ऑफ स्टॉक रहता है। और इसके अलावा मैं एक एंड में एक और टिप दूंगी, जो क्रीम है फेस क्रीम, उसके लिए भी मैं ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ मोस्टेला की, ये भी आउट ऑफ स्टॉक रहती है और ये भी हर जगह से नहीं मिलती। अच्छा, अब जो मेन इन दो चीज़ों की वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बॉडी वॉश अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आप ये फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। इसका जो जेंटल क्लिनजिंग जेल है और जो हाइड्रा बेबी लोशन है, ये भी आप फेस पे यूज़ कर सकते हो, ये फुल बॉडी है। लेकिन ये दो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं, और ये मैं यूज़ क्यों करती हूँ, स्पेशली जब हम बेबीज़ को या बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और डैडी की बियर्ड भी अगर जब टच हो बेबी की स्किन पे तो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और स्किन पे अक्सर न्यू बॉर्न के इरिटेशन भी हो जाती है। तो आहत को ना बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हॉस्पिटल से ही मुझे कुछ सैम्पल साइज़ मिले थे जिसमें ये दो प्रोडक्ट्स थे सैम्पल साइज़, तो मैंने 3 डेज़ के लिए वो यूज़ किया था, कि इससे मैंने उसको फेस वॉश किया था, और फेस वॉश के बाद मैंने उसको फ़ौरन ये क्रीम लगाई थी, और विद इन 2 डेज उसके सारे दाने चले गए थे, लिटरली सारे दाने। तो अभी भी अगर मुझे फील होता है कि, और अगर वो अपने आप को स्क्रैच भी कर दे, वैसे तो मैं फुल ट्राई करती हूँ कि मैं उसके नाखून एंड तक काट के रखूँ, बट समटाइम्स ऐसा होता है कोई कॉर्नर रह जाता है, तो मैंने वही स्क्रैच हिमसेल्फ थोड़ा सा अगर लाइन लग जाए तो भी मैं उसको ये क्रीम लगाती हूँ, और
कटन, इट वर्क्स लाइक वॉन्डर। ये बहुत अच्छी क्रीम है, आप चाहो तो ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। तो या इसके अलावा डायपर रैश के लिए मैं यूज़ करती हूँ सूडो क्रीम। सूडो क्रीम और एलमंड ऑयल, ये दोनों मैं डायपर रैश के लिए यूज़ करती हूँ, और ये दोनों ही बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर किए हैं। लाइक माई बेबी इज़ टर्निंग 10 मंथ्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, तो 10 महीने में मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, और अभी तक मुझे इन प्रोडक्ट्स से कोई एज सच इशू नहीं आया, कोई कोई कंप्लेंट्स नहीं आई, और बेबी की स्किन पे भी सारे प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने ये आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको लगे कि आपकी बेबी के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो आप भी इनको ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कुछ लिंक्स मैं नीचे दे दूँ, अदरवाइज़ अगर आप पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत से पेजेस हैं जो मोस्टेला के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। उसके अलावा अलफतेह है लाहौर में, वहाँ पे भी आपको मोस्टेला के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और अगर आप दुबई में हैं तो आपको हर जगह मिलेंगे। तो आपने मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, कॉमेंट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।